और ये मंदिर बप्पा रावल ने लगभग 8वीं शताब्दी में बनाया। कमाल है बाबा, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। सो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो के साथ। मैं हूँ एनजे मैनर, आप देख रहे हैं ट्रैवल विद एनजे। सो दोस्तों, आज अपन जाने वाले हैं राजसमंद का पूरा टूर करने के लिए। उसमें अपना राजसमंद लग के वो जो झील है और द्वारकाधीश टेम्पल है और अपने एकलिंग जी है, श्रीनाथ जी है, पूरा राजसमंद अपन पूरा कवर करेंगे आज। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, बहुत सारा मजा आने वाला है। साथ में उमेश भाई, क्योंकि आज उमेश भाई की अपने छुट्टी है हॉस्पिटल में। तो चलते हैं, लास्ट तक बने रहिए। धन्यवाद। अपन एकलिंग जी और पीछे बोर्ड लगा हुआ एकलिंग जी का पूरा पीछे की पूरी लोकेशन, ये उमेश भाई अपना और पीछे अपना पूरा पैलेस टाइप बना हुआ है और एकलिंग जी जो बप्पा रावल ने बनाया था। और देखते हैं यहाँ पर पूरा क्या सीन है, क्या इसकी हिस्ट्री है, पूरा मंदिर अपन एक्सप्लोर करेंगे। चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, अभी अपन आ चुके हैं एकलिंग जी, जो क्लास को भी बोलते हैं अपन, और देखते हैं अंदर। आई होप सो फोटोग्राफी अलाउड हो और देखते हैं पूरा क्या सीन है अंदर, क्या इसकी हिस्ट्री है पूरी जानेंगे अपन। और लास्ट में वीडियो बना रही है आप।
नमस्ते। सो दोस्तों अभी अपन है एकलिंग जी मंदिर के जस्ट बाहर। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, फिर भी मैं कुछ वीडियो लिए हैं तो वो डालूंगा मैं अंदर। और ये मंदिर बापा रावल ने लगभग 8वीं शताब्दी में बनाया था, जो उदयपुर से लगभग 22 किलोमीटर दूर कलशपुरी गांव में स्थित है। यह मंदिर एकलिंग जी का मंदिर है, जो मेवाड़ के चार धाम में से एक धाम भी है, और जिस जो शिवलिंग है उसके चार मुख है। और देखते हैं अपन यहाँ से अब कहाँ जाएंगे अपन पूरा टूर, और रसमन टूर के ऊपर अभी अपन फिलहाल और रास्ते में बने रहे वीडियो में। सो दोस्तों अपन अभी अपने एकलिंग जी को टूर किया, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, फिर भी अपन ने छुपा छुपा कर वीडियोग्राफी की है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप। और अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अपने रसमन झील के लिए अपन निकल चुके हैं यहाँ से, और लास्ट से बना रही है अपन रसमन झील से, फिर वो जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है वहाँ जाएंगे अपन, उसके बाद अपना श्रीनाथ जी जाएंगे और फिर वहाँ से अपन घर जाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो बना रही है, धन्यवाद।